सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा, भोपाल के लाल घाटी का इतिहास बहुत विभत्स है, इसलिए भोपाल के लाल घाटी इलाके का नाम बदला जाए और इसे गुफा मंदिर क्षेत्र के नाम से ही जाना जाए। साध्वी प्रज्ञा गुफा मंदिर के नए महंत के कामकाज संभालने पर उनसे मिलने पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर लाल घाटी का नाम बदले जाने की बात कही। उन्होंने लाल घाटी का नाम परिवर्तित किए जाने की मांग एक बार फिर उठाई और कहा, लाल घाटी नाम के पीछे बहुत विभत्स इतिहास है, इसीलिए इस इलाके को गुफा मंदिर क्षेत्र के नाम से ही जाना जाए। उन्होंने संत समाज से भी अपील की है कि इस इलाके को गुफा मंदिर क्षेत्र ही कहें। और मैं लाल घाटी नहीं कहूंगी इसको, क्योंकि ये लाल घाटी का हमें नाम परिवर्तन करना है। ये बहुत ही कलुषित कुत्सित शब्द है, क्योंकि इसका इतिहास बहुत बहुत ही विभत्स है। इसलिए गुफा, प्राचीन गुफा मंदिर के नाम से ही ये आश्रम स्थापित है और प्रसिद्ध है, और उसी के गादीपति हमारे श्री राम प्रवेश दास जी महाराज विराजमान है, वे हैं आज। आज सबको बहुत बहुत बधाई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।